हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अगला नया किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से आकर के जुड़ जाएं, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th के अंदर जो हमारे किंगडम्स चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन चल रहा है। इस क्लास के अंदर जो है सारे किंगडम हो गए हैं। इसके अंदर आज हम लोग नया एक किंगडम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संजाई कवक। हमारा आज टॉपिक है किंगडम। तो संजाई के बारे में आज हम लोग इसके अंदर, तो सबसे पहले एक एक करके इसके जनरल कैरेक्टर को कि जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं या किस तरीके से काम करते हैं ये अपने, तो किंगडम फंजाई के बारे में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सभी से जल्दी जुड़ जाए आगे सभी स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम जो है फंजाई। फंजाई के अंदर सभी कवक आते हैं, कवक जिन्हें हम लोग देसी भाषा में कहते हैं फफूंद। तो इसके अंदर सभी प्रकार के क्या आते हैं, कवक आते हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले सभी जुड़ जाइए आके जल्दी से 1 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। सबसे पहले जो हमारी किंगडम फंजाई, उस शाखा जिसके अंदर हम लोग, ऐसी शाखा जिसके अंदर हम लोग फंजाई कवक के बारे में अध्ययन करें, स्टडी ऑफ फंजाई यानी फंजाई और कवक का अध्ययन करते हैं। ऐसी शाखा जिसके अंदर कवक का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी। तो हम लिख सकते हैं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको माइसीटोलॉजी, माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी कहते हैं। इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिए या यहाँ पर इसका जो है पेन का कलर आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो इसके अंदर इस तरीके से पाए जाते हैं। अब जो हमारे कवक होते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, वर्णक नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं अवर्णकी। क्या कहते हैं? अवर्णकी या वर्णक रहित। ऐसे पिगमेंट को कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्णक। और हर एक पेड़ पौधे के अंदर पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नाम आपने सुना होगा, लेकिन कवक के अंदर वर्णक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं वर्णक रहित। दूसरी बात, पेड़ पौधों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए, भोजन पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है। आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा। लेकिन जो हमारे कवक हैं, कवक के अंदर संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं, वर्णक भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये वर्णक रहित, नॉन वैस्कुलर कह सकते हैं, असंवहनी, या कह सकते हैं संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। और दूसरा, ये चपटे चपटे होते हैं, पेड़ पौधों की तरह खूब बड़े नहीं होते हैं। पेड़ पौधों की तरह दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन जमीन में चिपके हुए होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा इनका आकार बड़ा नहीं होता, इसीलिए इनको थैलोफाइटा में रखा गया। थैलोफाइटा का मतलब जिनकी संरचना, जिनके शरीर की संरचना थैले की तरह, थैलस की तरह दिखाई पड़ती है, उन्हें कहते हैं थैलोफाइट। क्या कहते हैं? थैलोफाइट। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये है वर्णक रहित
वर्णक रहित यानी इनके अंदर कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। दूसरी बात क्या बताई, संवहन ऊतक पाया जाता है नहीं पाया जाता है, तो लिखेंगे असंवहन, असंवहनीय यानी इनके अंदर संवहन ऊतक अनुपस्थित है नहीं पाया जाता है। तो हमारा हो गया वर्णक रहित, असंवहनीय, और तीसरी बात क्या हो गई, थैलोफाइट। थैलोफाइट का मतलब जिनके जो बॉडी संरचना है वो एकदम जो है चिपकी हुई इस जमीन से हो, उसे कहते हैं थैलोफाइट होते हैं। जैसे किसी भी पेड़ पौधे या कोई भी ऐसा ये होता है, तो अगर उनका शरीर चिपटा हुआ या इस तरीके से पाया जाए, उन्हें कहते हैं हम लोग थैलोफाइट। जिनकी संरचना, जिनकी बॉडी, बॉडी को हम लोग इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं थैलस, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो थैलस की तरह हो, चपटे हो, उन्हें कहते हैं थैलोफाइट। तो ये बात याद रखना, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, दूसरी बात क्या याद रखेंगे, माइकोलॉजी या माइसीटोलॉजी कहते हैं। फिर अगली बात क्या याद रखेंगे, या वर्णक रहित होते हैं, असंवहनीय होते हैं और थैलोफाइट होते हैं, दूसरी बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगली नई नए इसके फीचर के अंदर चलेंगे, नए नए करेक्टर के अंदर जानेंगे। सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है भैया वास स्थान। वास स्थान का मतलब होता है ये रहते कहाँ हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए रहते हैं, इनका हम लोग जानेंगे वास स्थान। जो सबसे पहले जो कवक होते हैं, कवक के अंदर जो अकारिकी होती है, अकारिकी का मतलब होता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब भैया होता है बाहर से कोई रंग रूप जिसका दिखता है उसे कहते हैं अकारिकी। बाहर से जिसका रंग रूप दिखे, जैसे हम काले हैं या हमारे बियर्ड हैं, ये सब चीजें हमारी बाहर से जो चीज अपीयर होती है उसे कहते हैं हम लोग अकारिकी, मार्फोलॉजी। फिर दूसरी बात होती है हैबिटेट का मतलब वास स्थान। तो कवक के अंदर अकारिकी और वास स्थान में बहुत अधिक विभिन्नता देखी गई। विभिन्नता का मतलब है कि बहुत से ऐसे कवक थे वो बिल्कुल पेड़ की तरह दिखते थे, बहुत से चपटे होते थे, बहुत से थोड़े से लंबे होते थे, तो बहुत प्रकार के कवक के आकार की देखी गई। वास स्थान का मतलब होता है कुछ जल में भी पाए जाते हैं, कुछ हवा में भी होते हैं, कुछ समुद्री जल में भी होते हैं, जमीन में भी होते हैं, तो हर सड़े गले चीजों पर भी उगाती है। फफूंद देखा होगा रोटी पर भी उगाती है, कोई मृत शरीर पड़ा हो वहां पर भी जो है हमारी फफूंद लग जाती है। तो इस तरीके से कवक के अंदर जो हमारी आकार की और दूसरी बात वास स्थान के अंदर बहुत विभिन्नता देखी गई है, भिन्नता देखी गई, डाइवर्सिटी। तो लिखेंगे कवक में फंजाई को ही भैया कवक कहते हैं हम लोग, कवक, और देसी लैंग्वेज में कवक को हम लोग फफूंद कहते हैं। तो कवक के अकारिकी वास स्थान में, वास स्थान में भिन्नता है, भिन्नता है मतलब बहुत ही अलग अलग रूप है। एक फिक्स रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि इसका आकार पेड़ की तरह होता है, इसका आकार थैली की तरह होता है, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग आकार की में देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारे कवक होते हैं, ये जो होते हैं जितने भी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एडाप्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा एडाप्टेबल का मतलब होते हैं कि सभी जीवित जीवों में सबसे अधिक जो है अनुकूलित कर लेते हैं अपने आप को, उस माहौल में एडाप्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे कवक सभी जीवित जीवों में, जीवित जीवों में सबसे अधिक अनुकूलित, इसे कहते हैं मोस्ट एडाप्टेबल, एडाप्टेबल होते हैं, मोस्ट एडाप्टेबल होते हैं।
नंबर दो पॉइंट हो गया। मोस्ट एडाप्टेबल का मतलब सबसे अधिक जो है होते हैं। अच्छा, जब सबसे ज्यादा एडाप्टेबल अपने माहौल को देख ले रहे हैं कि हम किसी भी माहौल में जी सकते हैं, तो बताओ ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ये हर जगह पाए जा सकते हैं, हवा में, पानी में, जमीन में, भूमि के अंदर, सड़ी गली चीजों के ऊपर, हर एक जगह, जंतु के ऊपर भी, प्लांट के ऊपर, हर एक जगह पर। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह भूमि, जल, वायु, जंतु व पौधों व पादप पर पाए जाते हैं। सड़ी गली चीजों पर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, उगते हैं। कब, सभी लोग जो है इसको पढ़ते रहिएगा, और ये जो आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं इसको आप अपने फेयर कॉपी पे इसको लिखना भी है। अच्छा, जब कोई भी चीज हर जगह पर पाई जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग, ये सर्वग्राही है, हर जगह जो है रहता है, या कहते हैं इसको जो है सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जा रहा है, कॉस्मोपॉलिटन, यानी ये हर एक जगह पर पाए जाने के कारण इन्हें कहते हैं हम लोग कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन उसे कहते हैं भैया जो हर एक जगह पर पाया जाए, हर एक जगह पर उपस्थित होता है, व्यापक होता है, तो उसे कहते हैं कि हर जगह पाया जा रहा है तो कॉस्मोपॉलिटन। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ऐसी जीव जो हर जगह पर उपस्थित हो, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो हर जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कवक होता है, वो कवक हमारा पाया जाता है कहाँ पर, वार्म और मोस्ट प्लेसेस पर। वार्म का मतलब गर्म स्थान और मोस्ट का मतलब नमी वाले स्थानों पर उपस्थित होता है। तो लिख सकते हैं लेकिन, लेकिन कवक गर्म व नम स्थानों पर उगना पसंद करता है। गर्म व नम स्थानों पर जो है उगना जो है पसंद करता है। इसीलिए जो हमारी खाज खुजली कवक के द्वारा हो जाती है, देखते होंगे आप, या तो नेक रीजन में होती है या तो ग्रोइन रीजन में हो जाती है। ग्रोइन रीजन कहते हैं बगल्स को। तो ऐसी जगह पर जहां पर नमी भी रहती हो और वहां पर गर्म भी स्थान बना रहता हो। अभी आपने सुना होगा कि जो है कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जो है आंख पे लग रहा है, क्योंकि जो हम लोग मास्क लगाए रहते थे तो मास्क में बार बार एयर जाने से वो एयर हमारी गर्म हो जाती थी, और साथ में जो है एयर के हम लोगों के मुंह के साथ में वाष्प भी निकलती है, जल भी निकलता है, तो ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जा रही थी। गर्म भी हो रहा था और नमी भी हो रही थी। इसीलिए जो हमारे कवक होते हैं, आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, तो ये फंजाई शब्द से ही तो आया है। फंजाई का मतलब होता है, फंजाई शब्द होता है प्लूरल, बहुत सारे फफूंद, कवक। अगर कहीं पर लिखा है फंगस, फंगस का मतलब होता है एक कवक, और फंजाई का मतलब होता है बहुत कवक, यानी मैनी कवक लिख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल है, फंगस का मतलब होता है एक, फंजाई का मतलब होता है बहुत सारे। तो फंगस का मतलब वही, अभी आपने सुना होगा ब्लैक फंगस चल रहा है, व्हाइट फंगस चल रहा है, यही कवक फफूंद की बात चल रही थी। तो गर्म व नम स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है, इतना सब होने के बाद आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर, फिर आगे जो है चलते हैं हम लोग, अगला आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कुछ कवक के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे जलीय कवक, जो जल में रहता है। जलीय कवक कौन है भाई, तो जलीय कवक का उदाहरण याद रखना, सेप्रोलिग्निया को क्या कहते हैं, जलीय कवक, और इसको सेप्रोलिग्निया को कहते हैं हम लोग जलीय कवक, और इसका दूसरा नाम होता है जल में रहने के कारण इसे कहते हैं वाटर मोल्ड, MOULD,
वाटर मोल्ड, सेप्रोलिग्निया कह दीजिए या कह दीजिए वाटर मोल्ड, इसका कॉमन नाम क्या है, वाटर मोल्ड और सेप्रोलिग्निया कहते हैं। तो सेप्रोलिग्निया हो गया और हो गया हमारा वाटर मोल्ड। फिर उसके बाद आता है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो हमारा भूमि पर, जो हमारी जो है जमीन पर, स्थल पर उगता है। तो लिखेंगे स्थलीय कवक, स्थलीय कवक जो जमीन पर उगता है उसे कहते हैं हम लोग अगेरिकस। क्या याद रखेंगे, अगेरिकस। तो सेप्रोलिग्निया वाटर मोल्ड हो गया, स्थलीय कवक अगेरिकस हो गया, जलीय कवक सेप्रोलिग्निया जिसे कहते हैं हम लोग वाटर मोल्ड, वो हो गया हमारा स्थलीय कवक। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसको बिगाड़ के हम लोग नए स्लाइड पर आते हैं, नए जो है बोर्ड पर आते हैं और वहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो सेप्रोलिग्निया जलीय कवक हो गया, स्थलीय कवक अगेरिकस। जो बच्चे बाद में लेट में जुड़े हैं वो जो है बाद में फिर से ये वीडियो देख ले। फंजाई को ही कहते हैं कवक, फंगस होता है सिंगुलर शब्द, फंजाई होता है प्लूरल शब्द। तो इतनी सारी सब बातें आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लेना ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बिगाड़ देते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बिगाड़ा जाए, जलीय कवक और स्थलीय कवक। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, पढ़ लेंगे तो आसानी होगी। चलते हैं अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नए एग्जाम्पल्स की तरफ। अगली है हमारा, अगला एग्जाम्पल है परजीवी कवक। परजीवी कवक जिसे कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई का मतलब ऐसे कवक जो दूसरे जीवों के ऊपर रह करके उनसे अपना भोजन भी प्राप्त करें और रहने की भी जगह लें। वास स्थान प्लस भोजन दूसरे जीव के ऊपर, ये कहलाता है भाई हमारा परजीवी। परजीवी का मतलब पर शब्द लिया गया ऊपर से, जीवी का मतलब जीव के। अगर कोई चीज ऊपर रहे जीव के तो वो क्या कहलाएगा, परजीवी। अगर कवक रहता है तो कहलाएगा परजीवी कवक। तो ये बात हो गई हमारी कवक के बारे में। अब इसमें से याद रखना, कुछ कवक जंतु के ऊपर, और जो जंतु के ऊपर उगते हैं उन्हें कहते हैं इपीजोइक। क्या कहेंगे भैया, इपीजोइक। इपीजोइक कहते हैं, और जो हमारे प्लांट पर उगते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग इपीफाइटिक। जोइक शब्द याद रखना, इपीजोइक फंजाई। इपी माने होता है ऊपर, जैसे सुना होगा एपिथैलमस एपिपिटेलस। इपी शब्द का मतलब होता है ऊपर, और जोइक शब्द लिया गया है जूलॉजी से। जोइक शब्द किससे लिया गया है, जूलॉजी से। जू का मतलब आपने सुना होगा जंतु यानी चिड़ियाघर, तो वहां पर जूलॉजी का मतलब जंतु के ऊपर अगर उगते हैं तो उन्हें कहेंगे इपीजोइक। तथा अगर पादप के ऊपर उगे, पादप के ऊपर उगे अगर पादप के ऊपर उगने वालों को, उगने वाले को इपीफाइटिक कहते हैं। इपीफाइटिक कहते हैं। इपी का मतलब बताया है भैया ऊपर, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। जब बॉटनी आप सुनेंगे, बॉटनी सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है फाइटोलॉजी। बॉटनी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है भैया, फाइटोलॉजी। जूलॉजी को जूलॉजी कहते हैं और बॉटनी यानी पेड़ पौधे की को कहते हैं हम लोग फाइटोलॉजी या कहते हैं बॉटनी। तो फाइटोलॉजी से फाइट शब्द ले लिया गया है। इपी का मतलब ऊपर, फाइट का मतलब पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के ऊपर जो उगते हैं उन्हें कहते हैं इपी फाइटिक। अब चलेंगे हम लोग आगे की कौन कौन सी ये जो है पेड़ पर उगते हैं और कौन कौन से जंतु के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न देते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। अब बढ़ेंगे आगे इसके अंदर बीमारियां को देखेंगे। तो सबसे पहली आती है हमारी व्हीट रस्ट, नंबर एक पर आएगी व्हीट रस्ट। व्हीट का मतलब होता है भैया गेहूं, और रस्ट का मतलब वहां पर जो गेहूं है हमारा झड़ने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। व्हीट रस्ट जो डिसीज है ये करता है हमारा पक्सीनिया।
पक्सीनिया नाम का कवक। पक्सीनिया नाम का कवक गेहूं के अंदर कौन सी डिसीज करेगा? व्हीट रस्ट डिसीज। और इसी तरह जो है एक कवक होता है रिंग वॉर्म, जिसे कहते हैं रिंग वॉर्म हो गया है, दाद जिसे कहते हैं, एक होता है रिंग वॉर्म और इसी तरह एक होता है हमारा एथलीट फूट। तो रिंग वॉर्म को पहले देखेंगे, रिंग वॉर्म में नहीं देखा होगा, छल्ले पड़ जाते हैं, दांत था खुली, और एक तो हमारी ट्यूब भी आती है इसी की, रिंग गार्ड जैसे सुना हो अपने आग में, तो रिंग गार्ड में लगाते हैं रिंग वॉर्म। जो दाद होता है रिंग वॉर्म, वो रिंग वॉर्म उत्पन्न होता है, तीन कवक के नाम याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मियोफाइटान। तो ये तीन कवक के नाम याद रखना है आपको, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान। तो याद रखना है नंबर एक पर कौन सा है, माइक्रोस्पोरम, नंबर एक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन नंबर तीन पर एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये तीन कवक के कारण हमारा दाद हो जाता है, रिंग वाम जिसे कहते हैं, वो रिंग वाम हो जाता है। और इसी तरह एक होता है, एक डिसीज होती है एथलीट फुट। देखा होगा यहां पर जो हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बीच में कभी कभी दाद उत्पन्न हो जाता है, तो फूट है। अगर वो ज्यादातर जो है पैरों में होते, पैर के उंगलियों के बीच में जो हमारी खुजली दाद हो जाता है, उस डिसीज को कहते हैं हम लोग एथलीट फूट। एथलीट का मतलब होता है धावक और फूट का मतलब होता है पैर। तो जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, या जो पैर होते हैं, पैर से दौड़ते हैं, तो उनके दौड़ने पर जो उनकी उंगलियों के बीच में दाद हो जाता है, उस डिसीज को कहते हैं एथलीट फूट डिसीज। क्या कहते हैं? एथलीट फूट डिसीज। और एथलीट फूट डिसीज होती है हमारी किसके कारण? ट्राइकोफाइटॉन के कारण। किसके कारण होती है भैया? ट्राइकोफाइटॉन के कारण। जबकि रिंग वॉर्म जो हमारा दाद होता है, वो किसके कारण होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये व्हीट रस्ट डिसीज किससे होती है? पक्सीनिया से। और हमारी रिंग वॉर्म किससे होती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। और इसी तरह जो हमारी एथलीट फूट डिसीज होती है, ये किससे होती है? ट्राइकोफाइटॉन से होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक दो चीजों को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा देखा होगा सरसों की खेती हो, तो सरसों की जो पत्तियां हैं, सरसों की पत्तियों के अंदर दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, और सरसों को हम लोग कहते हैं मस्टर्ड। तो मस्टर्ड लीव्स स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड लीव स्पॉट, या दूसरा नाम होता है इनका व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो हमारे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आते हैं मस्टर्ड। तो लिख सकते हैं सरसों की पत्ती के जो धब्बे होते हैं, तो स्पॉट ऑफ मस्टर्ड, स्पॉट ऑफ मस्टर्ड लीव्स। ये सीधे सीधे भाई बीमारी, स्पॉट का मतलब धब्बे और किसके, मस्टर्ड लीव का मतलब सरसों की पत्ती के, ये किसके कारण हो जाते हैं? एल्बिगो नाम के कवक के कारण। एल्बिगो एक कवक है जिसके कारण जो है हमारे दाग जो होते हैं पत्ती, सरसों की पत्ती के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ हमारे होते हैं सिम्बायोटिक फंजाई, आगे नंबर पर है सहजीवी कवक, सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। सहजीवी का मतलब होता है साथ, सह का मतलब साथ साथ, जीवी का मतलब जीवन या जीव के साथ। तो ऐसे कवक जो साथ साथ अपना जीवन दूसरे जीव के साथ गुजारे, सहजीवी का मतलब ऐसे समझिए, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ खाएंगे, हर एक काम साथ ही साथ जो करें जीव, उन्हें कहते हैं सहजीवी। तो नंबर एक पर आता है, इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और दोनों ही एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम्पल है। नंबर एक पर आता है हमारा लाइकेन, नंबर एक है लाइकेन, और दूसरा होता है माइकोराइजा। नंबर एक पर याद रखेंगे आप लाइकेन, और दूसरे नंबर पर याद रखेंगे माइकोराइजा। अब जो हमारा लाइकेन होता है और जो हमारा होता है क्या नाम,
माइकोराइजा। तो लाइकेन के अंदर आपने अभी आपको पढ़ाया जाएगा आगे एक सहवाल होता है एलगी। तो सहवाल जब हमारा कवक के साथ साथ जीवन बिताता है तो उसे कहते हैं लाइकेन। लेकिन जब कवक हमारा साथ जीवन गुजारे किसी रूट के साथ जड़ों के साथ तो उसे कहते हैं माइकोराइजा। क्योंकि माइको शब्द क्या बताता है भैया, फंजाई को। अभी पढ़ाया था माइकोलॉजी और राइजा का मतलब होता है रूट, तो फंजाई प्लस रूट। और लाइकेन का मतलब होता है यहाँ पर एलके तुम्हारा एलगी और प्लस में फंजाई। तो कहेंगे किसके किसके रूप को सम्मिलित रूप है, तो सहवाल वा कवक का सम्मिलित रूप है। और इसके अंदर क्या कहेंगे, उच्च पादपों की जड़ें वा कवक का सम्मिलित रूप। ये नाम याद रखिए, बाकी जहां पर इनको पढ़ाना होगा वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा सेप्रोफिटिक फंजाई। तो आज हमारे हिसाब से पहले दिन हमारी ऑनलाइन ये लाइव क्लास थी, वैसे तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिलहाल जो हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए, जितना आपको ये बोर्ड पर लिखाया गया है, समझाया गया, आप अपनी कॉपी पे फेयर कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चीजें ना समझ में आ रही हो तो एक बार इसको जो है वीडियो को फिर से देखिए, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत ही डीप तरीके से बताया जाता है, कोई भी चीज ऐसे नहीं छोड़ी जाती है। तो अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से देखिए। अगर चीजें ना समझ में आ रही हैं तो एक बार जरूर देखिए। दूसरी बात यह है, बायोलॉजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस ये होगा कि चीजों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो बायोलॉजी है सबसे ज्यादा बेस्ड होती है हमारी इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश में ही पढ़ना आसान होता है। लेकिन आप हिंदी मीडियम से, तो हम चीजों को बाईलिंगुअल लेकर चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेकर चलते हैं, तो आप जिससे आसानी हो जाएगी। अगर लाइकेन है, लाइकेन की हिंदी क्या होगी, अगर लाइकेन लिखना है तो ये भाई लाइकेन हिंदी हो गई इसकी, लाइकेन की कोई हिंदी नहीं। माइकोराइजा है, इसको हिंदी में लिख लीजिए माइकोराइजा, कोई फायदा नहीं। चाहे आप जो है इंग्लिश में ही लिखिए जो चीजों की हिंदी नहीं है, और जिन चीजों की हिंदी होती है उनको हम लिख देते हैं। जैसे सिम्बायोटिक है, इसकी हिंदी थी तो हमने लिख दी सहजीवी। अब लाइकेन की हिंदी नहीं है तो लाइकेन की हिंदी ये तो बनाकर लिखेंगे क्या, ये तो लाइकेन वैसे ही लिख दिया। तो जो चीजें हैं बाईलिंगुअल लेकर चलिए। अब माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन लिखा है, हिंदी में लिखोगे तब भी वही लिखेगा, इंग्लिश में लिखोगे तब भी वही लिखेगा। लेकिन इंग्लिश में पढ़ना आसान है, इसीलिए हम इंग्लिश में ज्यादा चीजों को बताते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, कल यानी अगली क्लास के अंदर। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।